हमारा चैनल इजी लाइफ, मैं हूँ वर्षा। गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा होममेड नेचुरल डीआईवाई फेस पैक जो कि आपको आपकी फाइन लाइंस से आजादी दिलाएगा। आपको अगर बहुत ज्यादा स्किन सुपर ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस अपनी स्किन पे फील होता है, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है चेहरे पे जल्दी झुर्रियां आने का, प्री मेच्योर एजिंग का। बहुत जल्दी मतलब आप 30, 32, 35 ईयर्स के भी होंगे तब भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा मेच्योर्ड लगने लगेगी, आपकी स्किन खिंची खिंची लगेगी क्योंकि आपकी स्किन सुपर ड्राई है। इस वजह से आपको रिंकल्स बहुत जल्दी आ सकते हैं। इस मामले में ऑयली स्किन वाले ब्लेस्ड होते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी ऑयल बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है जिस वजह से उनका एजिंग थोड़ा डिले होता है। लेकिन आज का ये रेमेडी मैं सबके लिए शेयर कर रही हूँ। विंटर्स आने में सभी का स्किन ड्राई होता है, तो ऐसे में ये वाला पैक आपको आपकी ड्राई स्किन से आजादी दिलाएगा, प्री मेच्योर एजिंग अगर हो रहा है उसको ठीक करेगा, रिंकल से आजादी दिलाएगा। स्पेशली बेसिक जो आज का ये पैक है ये एंटी एजिंग पैक है। अगर आप अपनी एज से 10 गुना बड़े लगते हैं, 10 साल तक बड़े लगते हैं, तो ये आपको एक बहुत बढ़िया नेचुरल ग्लो दिलाएगा आपके चेहरे पे, और आपका चेहरा एज इट इज जिस एज के आप है उतना या फिर उससे कम लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना ये बढ़िया सा अपना डीआईवाई एंटी एजिंग फेस पैक जो कि सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजों से बन जाएगा, वो भी आपके घर से निकल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा एंटी एजिंग मास्क, जिसके लिए हमें लेना है हाफ बनाना। बनाना को आप पील के साथ यूज कीजिएगा, छिलका उतारने की जरूरत आपको नहीं है। अब आप एक ग्राइंडिंग जार ले लीजिए और उसमें बनाना को छोटे छोटे टुकड़ों में उसके छिलके के साथ डाल दीजिए, क्योंकि बनाना से ज्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी उसके छिलके में होती है। बनाना पील बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारी स्किन को टाइट करने के लिए। और मैं पहले भी आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ बनाना से रिलेटेड, और मैं अभी रिसेंटली आपके साथ एक पोटैटो का फेशियल भी शेयर कर चुकी हूँ, वो भी बहुत अच्छा एंटी एजिंग है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एंटी एजिंग जितनी चीजें होती हैं वो सिर्फ हमें एज होने के बाद ट्राई करना है, साथ में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कॉफी। कॉफी भी आपको पता है कि हमारी स्किन को कितना टाइट करती है, रिंकल फ्री करती है, एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, और इसमें कॉफी में इतने अच्छे पावर होती है जो हमारी स्किन की कोलेजन को इम्प्रूव करती है। साथ में मैंने इसमें ऐड किया 1 से 1.5 चम्मच दही। दही मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा फिर पतली हो जाएगी जिससे कि पैक लगाने में हमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन दही हमारे स्किन का टेक्स्चर बहुत अच्छा करता है। अब मुझे ये पैक थोड़ा सा थिकी लग रहा है तो मैं इसमें ये रोज वाटर ऐड कर रही हूँ। आपको अगर लगे कि ग्राइंड करने के टाइम पे भी पैक थोड़ा सा थिक है या फिर ग्राइंड नहीं हो पा रहा है तब भी आप रोज वाटर ऐड कर सकते हैं। बस इतनी ही चीजों से हमें इस पैक को बनाना था और ये पैक बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया एंटी एजिंग पैक बना है। चेहरे को आप पहले वॉश कर लीजिएगा अच्छे से और उसके बाद इस पैक को अप्लाई कीजिएगा। आप जब इस पैक को बनाएंगे तो थोड़ा सा लाइट कलर का होगा, धीरे धीरे ये थोड़ा डार्क कलर का हो जाएगा क्योंकि हमने कॉफी यूज किया है और बनाना भी धीरे धीरे अपना कलर चेंज करता है। और इस पैक को आपको जब भी लगाना है तब आप फ्रेश बना के लगाएं, स्टोर आप नहीं कर सकते क्योंकि बनाना है तो वो खराब हो जाएगा। अच्छे से आप इस पैक को अपने चेहरे पे लगाएं। वीकली आप इसको एक बार आराम से लगा सकते हैं अपने फेस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस पैक को आप किसी भी एज के हैं आप यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन में जरूरी नहीं है कि रिंकल्स आ गए हैं तभी आपको इस पैक को यूज करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने स्किन की इलास्टिसिटी को हमेशा कायम रखने के लिए आपको इस पैक को यूज करना ही चाहिए क्योंकि बनाना में बहुत बहुत अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये देखिए मैंने पैक को लगा लिया और उसके बाद इसको अच्छे से मैं रब कर रही हूँ, जिस तरह से आपको स्क्रब करते हैं या फिर मसाज करते हैं उस तरह से आप इसको थोड़ी देर तक मसाज कीजिए। बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का ये पैक बनता है और ये देखिए इस तरह से मसाज करने के बाद आप थोड़ा सा और अप्लाई करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ये अपने आप से थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर नॉर्मल पानी से आप वॉश कर सकते हैं।
ये देखिए मेरे पैक वॉश कर लिया और स्किन आपको सडन टाइट फील होगा, स्किन बहुत अच्छा आपका ग्लो करने लगेगा। अब मैं यूज करूंगी एलोवेरा जेल, आप चाहे तो आप टोनर भी कोई लगा सकते हैं, नहीं तो रोज वाटर भी लगा सकते हैं। मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ और इसको आप दिन के किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वीकली एक बार अगर आप इस पैक को लगाते हैं तो आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा बनी रहेगी, आपकी स्किन में चमक हमेशा बनी रहेगी। और अगर फाइन लाइंस आना शुरू हो चुकी हैं या फिर दाग धब्बे आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे हट जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है स्किन टाइटनिंग और ग्लोइंग के लिए। और आप एक बार में 2 से 3 रेमेडीज भी ट्राई कर सकते हैं, वीकली आप फेशियल भी कर सकते हैं, बीच में आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि होममेड रेमेडीज से कुछ भी हमारे चेहरे को नुकसान नहीं। तो कैसा लगा आपको ये एंटी एजिंग फेस पैक? था ना बहुत आसान सा, और घर की 2-3 चीजों से इसको रेगुलर ट्राई कीजिए, वीक में एक बार लगाइए, आपको आपकी स्किन में वाकई बहुत फर्क लगेगा। और स्पेशली विंटर्स में ये पैक बहुत बढ़िया काम करने वाला है। स्किन टाइप आपका कुछ भी है आप इसे यूज कीजिए। अगर आपको फाइन लाइंस का प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी अपनी स्किन को हमेशा टाइट रखने के लिए इस पैक को आप जरूर यूज कीजिए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो, टॉपिक हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको जरूर प्रेस कीजिए विद बेल आइकन, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेमेडीज। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।